लीड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से शहनाज गिल गायब से हो गई थी। आपको बता दें कि शहनाज गिल हीलिंग टाइम ले रही थी, लेकिन अब धमाकेदार तरीके से शहनाज गिल ने वापसी की है। हाल ही में यशराज मुखाते के वीडियो में नजर आई शहनाज गिल, और इसके अलावा सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के लिए शहनाज ने फोटोशूट किया। आपको बता दें कि सिंगर और देश की धड़कन शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर अपनी वापसी कर ली। ऐसे में शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैटरीना कैफ को पंजाब की कैटरीना कैफ बुलाती नजर आ रही है। इसके साथ ही वो विक्की कौशल से जुड़ा तर्क भी दे रही है। शहनाज गिल ने मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटीज में शुमार है। कुछ सालों पहले शहनाज गिल इंडस्ट्री में नाम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बिग बॉस 13 में आने के बाद शहनाज गिल की किस्मत चमक गई, जहां पर शहनाज गिल खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बुलाती है, जो सलमान ने उन्हें नाम दिया था। लेकिन आज ये खुद को इंडिया की शहनाज गिल कहती है, क्योंकि कैटरीना जो असल में पंजाब की कैटरीना कैफ बन चुकी है। शहनाज गिल बताती है कि एक्ट्रेस को लेकर कई सारी बातें कहती है। शहनाज का कहना है कि मैं इंडिया की शहनाज गिल हो गई हूँ, क्योंकि कैटरीना पंजाब की कैटरीना कैफ हो गई है। विक्की कौशल का इसमें कनेक्शन है, विक्की पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में विक्की ने कैटरीना के साथ शादी की थी, और कैटरीना अब शादी करने के बाद पंजाब की कैटरीना कैफ बन चुकी है। शहनाज की इस बात पर लोग काफ़ी हंसने लगे। कुछ समय पहले ही शहनाज गिल ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो बताती नजर आ रही थी कि सिद्धार्थ के जाने के बाद उसने जीने का मकसद छोड़ दिया था। शहनाज गिल ने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि अब मुझे नहीं रहना चाहिए, तो अब तो मैं को नहीं आना चाहिए, लेकिन इसी के साथ, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शहनाज गिल की इस तरीके की बातें सामने आई। बता दें कि शहनाज गिल ने कहा कि कई लोग अब तो मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वापसी कर रही हूँ, लेकिन मुझे हीलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। शहनाज जिस तरह से अपने इमोशनल लॉस से बाहर आई है, ये एक पॉजिटिव बदलाव है, जिसे देखकर शहनाज गिल के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो ये है पूरी खबर शहनाज गिल को लेकर। आज के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपका क्या कहना है शहनाज गिल की इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेकर, ये बताना बिल्कुल न भूलें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।